वेलकम टू डो एंड मी। सो आज एक और रेसिपी लेकर आए हैं कॉफ़ी लवर्स के लिए। ग्रीक फ्रापे की रेसिपी मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए। उससे पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे जब भी कोई वीडियो पोस्ट हो। सो स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। इट्स वेरी क्विक, ईजी एंड टेस्टी, सो कीप ऑन वॉच। सबसे पहले हमें चाहिए एक ग्लास जार जिसके ऊपर लिड हो और वो लिड टाइटली उस पर बंद हो जाए। मैंने ये एक एम्प्टी जार लिया है। इसमें हम अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले कॉफ़ी, थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है ये, तो उसी अकॉर्डिंग हम कॉफ़ी पाउडर इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद हमें इसमें ऐड करनी है शुगर, वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अगर आपको शुगर फ्री पीना है तो आप शुगर को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ जितनी शुगर आपको पसंद है उतना ऐड करें। और फिर हम इसमें हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड करेंगे। जो चाय वाला कप है मैं उस कप की बात कर रही हूँ। और ऐसे इसको लिड को बंद करने के बाद हमें इसे करना है शेक, जब तक इसमें फ्रॉथ ना आ जाए। ऐसे फ्रॉथ इसमें आ जाएगा और तब तक आपको इसको शेक करते रहना है ताकि सब कुछ मिक्स हो जाए और फ्रॉथ अच्छे से बन जाए। उसके बाद आपको एक ग्लास लेना है और उसमें अपना ये शेक किया हुआ कॉफ़ी हम पोर कर देंगे। उसके बाद हमें इसमें ऐड करनी है आइस, एक आइस क्यूब बड़ा है तो आप, जैसे मैंने बड़ा ऐड किया, अदरवाइज आप 2 या 3 ऐड कर सकते हैं। और फिर हम ऐड करेंगे मिल्क, मिल्क ऐड कर देंगे इसमें जब तक ये फिल नहीं हो जाता है। दोनों का प्रोपोर्शन होता है इसमें, वाटर और मिल्क का। और उसके बाद स्पून से या स्ट्रॉ, अगर आपके पास है स्ट्रॉ से, उसको मिक्स कर देंगे एंड सर्व। बहुत टेस्टी लगती है और समर्स के लिए एक परफेक्ट ड्रिंक है। सो डू मेक इट ट्राई एंड लेट मी नो कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।